लक्की को पड़े चांटे पर चांटे। अपनी गंदी जबान से ना निर्मय का नाम मत ले। अमन के गुस्से का शिकार हुआ लक्की। अमन तू लापरवाह था, बदतमीज था, ये मैं जानता था। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज लकी का हो गया है बैड लक, क्योंकि घर वालों के सामने आ गई है लकी की सच्चाई। असल में लकी पर लगा है ईशा के एक्सीडेंट का इल्जाम, जिसके चलते पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई है। लकी ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, ये सारे गलत काम लकी एक्सेप्ट कर लेता है अपने भाई के सामने, बट ये जो एलिगेशन लगा है ये लकी ने नहीं किया होता तो भाई को यकीन नहीं आता इस बात पे। लेकिन मेरे कहने से मैं बार बार बोलता हूँ भाई कि मैं सारे गुना एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये मैंने नहीं किया, तो भाई को यकीन आ जाता है। तो भाई ने जो पुलिस बुलाई होती है, फिर भाई उस पुलिस को रोक देते हैं। जब उनको मेरी बात पे यकीन आता है, वो कहते हैं कि आप मेरे भाई को नहीं अरेस्ट करेंगे, फिर वो मुझे पुलिस से बचा लेते हैं। तो यही सीन है पुलिस का। भाई पुलिस तो लकी को यहाँ से ले ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर रजत का बुलाया हुआ वकील आ गया, जिसने लकी की जमानत करा दी। लकी की माँ को आ गया गुस्सा और उन्होंने लकी को चांटे पर चांटे जड़ दिए। इतना ही नहीं, लकी को घर से बेदखल कर दिया। ऐसे में लकी पहुंच गया है सभी के घर मृणमय से माफी मांगने। भाई मृणमय तो लकी से बेहद नाराज है और अमन उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। उसने आओ न देखा ताओ लकी का कॉलर पकड़ लिया। हालांकि सभी के बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लकी का कारनामा है ही ऐसा कि उसे माफ किया नहीं जा सकता। तुझे लगता है तूने जो किया है वो सही किया है? माफी, ये अगर रजत का भाई नहीं होता ना, इसे यही मार देता मैं। अच्छा, बस छोड़ो सर, बस जानवर के साथ जानवर नहीं बन सकते ना। स्टॉप इट प्लीज। लकी सर, लकी बेटा तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सर मेरी बात नहीं, तुम जस्ट जाओ यहाँ से प्लीज। सर लकी, आई वांट यू टू लीव नाउ। नहीं चलो प्लीज, चलो तुम यहाँ नहीं रुक सकते। लकी आउट, आउट। लकी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चारों तरफ से सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाएंगी। उसको लगता था कि अरे ये भी देख लूँगा, ये भी डील कर लूँगा, मेरे पास पैसा है, पैसा फेंकूँगा, हर चीज़ हैंडल हो जाएगी। हुआ ये कितना सारा बिल्डअप हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आकर के लकी पे फूट गई। अब लकी इतना तो स्ट्रांग था नहीं कि सब कुछ हैंडल कर लेता, वो बस्ट आउट हो गया एंड में। वो एंड में अपने भाई के सामने रो दिया कि भाई मुझसे सब गलती हुई और एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो है पूरी पूरी फैमिली, दोनों फैमिली नाराज़ है और नाराज़ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। जो मेरे को देख रहे हो आप, बार 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 पिटाई लग रही है, ढोलक बजा रखा है, इधर से पीट के इधर भेजते हैं, इधर से पीट के इधर भेजते हैं। तो वही है, आई होप इसके बाद लकी सुधर जाएगा, बाकी यू नेवर नो। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छठी मैया की जय। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।